हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग है ये मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के करीब 5 बज रहे हैं, तो यहाँ पर मैं बेटी मेरी मैगी खाने को बोल रही थी, तो मैं मैगी बना रही हूँ। तो मैंने भी और हम लोगों ने सभी ने मैगी खाई थी, मम्मी पापा को छोड़कर। बस वो नहीं खाते हैं मैगी, तो उनके लिए नहीं बनाई थी। तो ये मेरी है प्लेट, आप लोगों को खाना है मैगी तो आ जाइए। मैगी किस किस को पसंद है? वैसे मुझे जहाँ तक लगा है आजकल सभी को मैगी बहुत पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है, मेरी बेटी को तो, बच्चे को तो पसंद ही होती है। फिर तो फ्रेंड्स, ये जो क्लिप है मेरी मॉर्निंग के टाइम की है। तो मैं अपनी बेटी को नहला के बस तैयार वगैरह करी, तो वो उस समय वो मस्ती कर रही थी, तो मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी बस मोबाइल में। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेती हूँ, वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी इस टाइम इसीलिए। और फिर बस मैगी वगैरह खाने के बाद यहाँ पर ये मैं सिलाई कर रही हूँ। जैसे कुछ कपड़ों के न्यू जो कपड़े होते हैं उनकी सिलाई अक्सर खुल जाती है, तो कुछ कपड़ों हैं उनकी सिलाई वगैरह खुली हैं, तो बस उन्हीं को मैं दोबारा से सिल रही हूँ। और यहाँ पर दोपहर में सोए थे तो कंबल वगैरह सब कुछ वैसे ही रखे थे, इसलिए क्योंकि अनाया जो थी वो सो रही थी अभी तक, तो मैंने हटाया नहीं था, तो अभी वो भी सोकर उठ गई है। तो मैं सब बिस्तर वगैरह ठीक कर लेती हूँ, कंबल वगैरह, क्योंकि वो फिर उसी के ऊपर ही खेलती रहती है। और अभी फिर से वो थोड़ी देर में आ जाएगी और वो फूल देखती है ना, तो बस उसको घोड़ा मतलब खेलना है, उसको मस्ती करनी है। तो अभी आप लोग देखिएगा वो कितना मस्ती कर रही थी इन्हीं कंबलों के ऊपर बैठ कर। बाल अभी बंधे ही हैं, छाता नहीं बनाए, तो चलिए चलते हैं। और चलिए सब्जी बनाते हैं। कुछ कपड़े सिले थे तो वो रखे थे, वो सिल लिए थे मैंने, क्योंकि बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना सिलाई है बहुत जल्दी खुल जाती है पैजामे जब, तो वही मैं सिल रही थी अभी। तो उसके बाद मैं वीडियो स्टार्ट करी हूँ, कैमरा ली हूँ, तो अभी अब बनाने लेती हूँ क्योंकि बज रहा है शायद, काफ़ी टाइम हो रहा है, 6:30 हो रहे हैं, तो सब्जी बना लेती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ क्या जल्दी खाना खा लेते हैं, पापा जी को जल्दी भूख लग जाती है। तो
या आपके यहाँ ठंड कितनी है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, धूप तो कई दिनों से नहीं निकल पा रही है, हल्की सी करीब 12-1 बजे के बाद निकलती है, और जिसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पाते। आप लोगों को कैमरे में दिख रहा होगा, वो तो दरवाजे पे कपड़े टंगे हुए हैं, सब गीले हैं, सूख नहीं रहे, एकदम बॉक्स पे सब जगह कपड़े कपड़े फैल रखे हैं, इधर रूम में सारे रूम में कपड़े फैला रखे हैं। मैंने भैया नया परेशान करे, उसको लेकर आती हूँ पहले। बच्चे हैं तो परेशान करने लगते हैं, और अनाया ना बच्चों को पता नहीं क्या ठंड लगती ही नहीं है या क्या है, लोगों को इतनी ठंड लग रही है। मुझे काम करना पड़ता है, मुझे फुल आस्तीन कपड़े पहन के काम मुझे करने में बहुत दिक्कत होती है, फिर तो मैंने इसलिए नहीं पहना, लेकिन हाफ दो स्वेटर पहन रखे हैं। आप लोग देख रहे हैं, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, फुल आस्तीन की है जो कुर्ती है मेरी, ये फुल आस्तीन की, लेकिन फुल स्वेटर पहन के फिर मुझसे काम नहीं हो पाता, इसलिए नहीं पहना मैंने। जबकि नवे पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, बोले कि फुल कपड़े पहनो, बहुत ठंडी है, पहन लेती हूँ जब वो ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो पहन लेती हूँ, और लेकिन क्या करूँ, आदत नहीं है पूरा कपड़ा, मतलब फुल एकदम स्वेटर एकदम बंधा सा लगता है, तो मुझसे नहीं होता है काम। और वही सोची हूँ, ठंडी तो लगती है, ऐसा नहीं है ठंडी नहीं लगती है, लेकिन डांट भी खा लेती हूँ और दोनों काम कर लेती हूँ। तो अभी नव्या अनाया को मैंने सॉक्स पहनाया, वो तो दिन भर फेंक देती है। आप लोगों के बच्चे भी इसी तरह करते हैं, मेरी तो दिन भर उसको कपड़े मतलब चेंज भी कराने पड़ते हैं, सॉक्स और टोपी, खासकर कैप तो बिल्कुल भी नहीं लगाती है, सॉक्स भी नहीं पहनती है। और ठंडी बच्चों को नव्या उसको कैप पहना रही है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी, देखा आप लोगों ने, सुनाई भी दे रही होगी, क्योंकि वो कैप नहीं पहन रही है, बहुत रोती है कैप पहनते, सर टोपी बिल्कुल भी नहीं लगाती है। सॉक्स तो किसी तरीके से थोड़ी देर के लिए पहनेगी, फिर जैसी देखेगी कोई नहीं देख रहा है ना, तो फेंक देगी निकाल कर अभी। और ये टाइम में बच्चों को देखना, बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है, बच्चों को बहुत जल्दी लगती है, मैं तो कई बार इसको लग भी चुकी है अभी। और अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने सब्ज़ी बनाई है, बना ली मैंने सब्ज़ी तो, और मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी कई बार मैंने शेयर करी है आप लोगों के साथ व्लॉग में, लेकिन अभी मैंने सोचा रेसिपी नहीं शेयर करूँ, क्योंकि व्लॉग में अगर जो बना रहे हैं वो ना दिखाओ तो फिर व्लॉग भी अधूरा सा लगता है। और फ्रेंड्स अभी बज रहा है करीब 8 बज रहे हैं, तो मुझे बनाना है रोटी, तो थोड़ा आटा गूंदा हुआ रखा हुआ है, और बस मम्मी पापा के लिए आटा गूंदना है, तो वो बाजरे की रोटी खाएंगे, थोड़ा सा ही आटा बाजरे का भी ख़त्म हो गया है, तो थोड़ा ही आटा बचा है बस, तो उसको भी मैं गूंद लूँगी, आटे को लगा लूँगी। और वो भी आटा जो था, मैं पानी एक बार की डाली तो हाथ से ज़्यादा निकल गया, तो गीला हो गया था आटा मेरा। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। बाजरे का आटा थोड़ा सा था और पानी डाला, गीला हो गया, तो गेहूं का आटा मिलाने जा रही हूँ। और अभी आटा गूंद गया, और मैं बस उसके करीब 10 मिनट बाद फिर मैं रोटियां सेकने लगी, और बस अब सबको गर्मा गर्म रोटियां सेकती हुई मैं सेकती जाऊंगी और नव्या को दे दूंगी, तो वो निकल के सबको दे देती है अब।
खाना भी हो गया, मैंने बर्तन भी धुल लिए, तो बस अभी किचन की मैं शाम को ही रात में ही सारा किचन क्लीन करके ही सोती हूँ, ताकि मुझे मॉर्निंग में जो सुबह का काम होता है फिर उसमें दिक्कत नहीं होती है। और आदत है मेरी, मैं किचन को गंदा करके फिर नहीं सो सकती हूँ, मुझे फिर खाना खाने के बाद तुरंत ही किचन साफ़ कर लेना, बर्तन धुलना, ये सारा काम फिर मैं उसके तुरंत ही कर लेती हूँ, फिर चाहे वो ठंडी हो या गर्मी, ये तो करना ही है मुझे। के बाद बस अब अपने बच्चों को सुलाऊंगी, तो यहाँ पर इनको सुलाना है, तो ये मैं लेकर आई हूँ रूम में, तो ये बस मस्ती कर रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पे नए हैं फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।